हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड। तो आज आ चुका हूँ मैं लोहिया पथ फेज 2 का अनावरण जो होने वाला है, उद्घाटन जो होने वाला है, उसी का अपडेट लेके। तो आज है जो तीन जगह उद्घाटन होने वाला है, एक लोहिया पथ फेज 2 का पटना में, और एक गाय घाट जो नया वाला बना है पुल ओवरब्रिज का उसका, और तीसरा सोनपुर ब्रिज का। तो कोशिश करेंगे हम तीनों आपको उद्घाटन से पहले उसका व्यू दिखा दे, फिर उद्घाटन पर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे 6:30। मैं सुबह से ही आ चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है आपको ये वीडियो दिखाने में। तो चलते हैं अब इसको ऊपर से, हम आपको आ चुके हैं अटल पथ पे, और अटल पथ से आपको दिखाने की कोशिश। देख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया नेहरू पथ मार्ग, जो कि आ रहा है आपको सचिवालय मतलब बेली रोड से होते हुए, और इधर हो गया विश्वेश्वरैया भवन, और इधर देख सकते हैं उद्घाटन की तैयारी हो रही है किस तरह से। चलिए हम आपको देख सकते हैं डिवाइडर के जो बीच में है, मिट्टी भरने का काम हो रहा था इससे पहले जो मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर फूल पत्तियाँ वगैरह लग चुकी है, और गाड़ियाँ साइड से सटपट दौड़ रही है। और ये जो रास्ता है आपको दिख रहा है, ये लोहिया पथ का है जिसके मैं अंदर आ चुका हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए ऊपर सब दिखाने की कोशिश। देख सकते हैं हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का ये फोटो यहाँ लगा हुआ है। और चलते हैं आगे दिखाते हैं, और यहाँ लोहिया पथ के बारे में इस तरह से दिखाया गया है। तो चलिए आगे, ये ऊपर से हमारा हो गया अटल पथ, जो कि आपको गर्दनी बाग आर ब्लॉक से जाता है सीधा दीघा की ओर, इससे आप होकर मरीन ड्राइव भी जा सकते हैं। और ये लग चुका है उद्घाटन के लिए लोहिया पथ फेज 2, ऐसे करके बोर्ड लगा हुआ है। तो इस तरह से ये लग चुका है, और इसके ऊपर जो है स्ट्रीट लाइट भी लग चुकी है, एलईडी लाइट्स वगैरह, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसका नाइट व्यू भी मैंने शॉर्ट वीडियो में और लॉन्ग वीडियो में मैंने दिखाया है, लॉन्ग वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है लेकिन शॉर्ट वीडियो मैंने दिखाया है। तो फिलहाल ये है ऊपर से, आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये सीधा आप नेहरू पथ बेली रोड मतलब सीधे आएगा बगल से, और ये अंडरग्राउंड जाके ये आपको दरोगा प्रसाद राय पथ की तरफ ये रास्ता मुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो रास्ता इस साइड में मुड़ चुका है, और ये जो है ना आपको दिख रहा है लोहे के प्लेट्स वगैरह लगे हुए हैं, ये इसलिए लगे हुए थे ताकि मशीन के वाइब्रेशन या गाड़ी वगैरह जो चल रही है उसके वाइब्रेशन से मिट्टी वगैरह नहीं फंसे। और इसी के है ना नीचे ऐसा छेद करके इसको अंडरग्राउंड टनल की ओर निकाला जाएगा, वहाँ से निकाल के सीधे उधर की ओर निकाला जाएगा, ये बनने वाला भी फ्यूचर में। तो फिलहाल इस रास्ता को चालू किया जाएगा ताकि जो भी ट्रैफिक है उसको आसान से आसान बनाया जा सके। तो हम आ चुके हैं लोहिया पथ फेज 2 जो निर्माण हो रहा था उसके ऊपर, जो कि आज की उद्घाटन होने वाला है, और यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक लगा हुआ है टेंट वगैरह ताकि यहाँ पे जो उद्घाटन होने वाला है आज का रिबन वगैरह कटेगा, और उसके बाद यहाँ से जो है लोहिया पथ का आवागमन शुरू हो जाएगा आपसे। तो ये हो गया बोरिंग कैनाल रोड की तरफ से जो रास्ता आता है, और इसमें यह जुड़ने वाला है। तो इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो आज जो है उद्घाटन होने वाला है, तो सोचा कि मैं आपको पूरी तरह से दिखा दूँ, आज कोई रोक टोक नहीं है। हम बेली रोड के विश्वेश्वरैया के साइड से हम आ चुके हैं, आपको ये उस साइड में म्यूजियम है बिहार म्यूजियम, और ये रास्ता आपको चला जाता है बोरिंग रोड गांधी मैदान के तरफ, बहुत सारे लोग जानते हैं इस रूट को। तो ये यही था, फिलहाल इतना ही तैयारी भी हुआ है, और इसका जो है रंगाई वगैरह आप देख सकते हैं, इसे रंग दिया गया है, और ये भी बना दिया गया है, और बीच में इस तरह से ये लाइन वगैरह भी खींच दिया गया है। तो उद्घाटन से पहले इस तरह से इतना तैयारी हो चुका है। ये चकाचक दम रोड हो चुका है, ब्लैक टॉप का काम वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका है। वाह, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अब इस साइड से दिखा देते हैं, जो कि है इस साइड में आपको बिहार म्यूजियम, और इस साइड से देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। अब इसके अंडरग्राउंड का जो टनल का काम है अभी होता रहेगा, और फिलहाल ये ऊपर वाला ये दोनों लेन है दोनों साइड का ये चालू हो जाएगा। देख सकते हैं ये गाड़ियाँ जा रही हैं, तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रीट लाइट है उसको लगाने का काम अभी जारी है। ये जो है तीन तरह से लगेगा, एक इस साइड में स्ट्रीट लाइट लगेगा यहाँ जो लगा हुआ है, और फिर एक बीच में लग गया, और फिर उसके किनारे में देख सकते हैं वहाँ लगा हुआ है डिवाइडर को, ये सजाया जा रहा है, और ये आगे भी लोग लगे हुए हैं, और यहाँ फूल माला भी लगाए जाएंगे।
ताकि और देखने में खूबसूरत हो जाए। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।